हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। दिस इज अजीज खान फ्रॉम प्रैक्सिस विद्यापीठ रुदौली बस्ती। स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर फाइन एंड नाउ आई एम गोइंग टू द नेक्स्ट एक्टिविटी व्हिच इज अबाउट द मैचिंग वर्ड फ्रॉम द बॉक्स एंड राइट इट बिलो द पिक्चर्स। डियर स्टूडेंट्स, आज हम इस क्लास फर्स्ट सब्जेक्ट इंग्लिश है और पेज नंबर 94 है। आज हम इस एक्टिविटी को देखेंगे, जो इमेज ये आपके सामने आपको इमेज नज़र आ रहा है और आपके सामने पांच ऑप्शंस हैं। ये ऑप्शंस इन पांचों इमेज में हमें फिलअप करना है। तो आइए हम देखते हैं। पहला है आपका टेंट। ये टेंट है, टेंट को यहाँ पर आप लिखिए टेंट, TENT, टेंट। इसके बाद आपका है हट। हट झोपड़ी को कहा जाता है, यहाँ पर हट लिखिए HUT, हट। हट मीन्स होता है झोपड़ी। इसके बाद आपको ये इमेज में नज़र आ रहा है, इसको घर कहा जाता है यानी हाउस। तो यहाँ पर आप टाइप कीजिए, लिखिए HOUSE, हाउस। फिर इसके बाद हम देखेंगे कि एक ट्री है जिसमें घर बना हुआ है, तो इसको कहा जाता है ट्री हाउस, TREE, HOUSE, ट्री हाउस। इसके बाद आप ये दिख रहे हैं, ये भी एक रहने का घर होता है, स्थान होता है रहने के लिए, तो इसमें भरा जाएगा इग्लो, IGLOO, इग्लो। एंड नाउ वी विल सी द नेक्स्ट एक्टिविटी, आंसर द क्वेश्चंस। आइए देखते हैं इस क्वेश्चन के आंसर को कि क्या होता है। फर्स्ट, व्हाट डिड अंकित एंड राधिका मेक। डियर स्टूडेंट्स, आपने इसके पहले लेसन में पढ़ा था आबर्ड हाउस के बारे में कि अंकित और राधिका क्या बना रहे थे। तो आइए हम टाइप करते हैं, लिखते हैं अंकित एंड राधिका मेक अ बर्ड हाउस। अंकित और राधिका जो है एक परिंदे का घर बना रहे थे। नंबर टू, हु हेल्प देम टू मेक इट। और इस घर को, इस परिंदे के घर को, बर्ड हाउस को बनाने में कौन मदद कर रहा था? तो दादी माँ कर रही थी। तो यहाँ पर आप लिखिए ग्रैंडमा हेल्प्ड देम टू मेक इट। ग्रैंडमा हेल्प देम टू मेक इट। ग्रैंडमा जो है, दादी माँ जो है, वो मदद कर रही थी उस बर्ड हाउस को बनाने के लिए। तीसरा है, व्हाई डिड ग्रैंडमा कट अ सर्कल इन द सेंटर ऑफ द कार्डबोर्ड बॉक्स। कार्डबोर्ड बॉक्स के सेंटर में दादी माँ एक सर्कल क्यों काट रही थी, क्यों बना रही थी? तो आइए हम देखते हैं। बिकॉज, क्योंकि द बर्ड्स कैन गो एंड कम आउट ईजिली, जिससे जो चिड़िया हैं, जो परिंदे थे, वो आसानी से उस बर्ड हाउस में आ सके और आसानी से फिर वो जा सके उस घर में से, उस बर्ड हाउस में से। तो बिकॉज द बर्ड्स कैन गो एंड कम आउट ईजिली, जिससे परिंदे आसानी से उस घर में आ सकें और फिर आसानी से वो बाहर जा सकें। नंबर फोर, व्हाई वेर द चिल्ड्रेन हैप्पी। बच्चे क्यों खुश थे? बिकॉज देयर बर्ड हाउस हैड अ गेस्ट, क्योंकि अब उनका, उनके जो बर्ड हाउस में मेहमान थे, वो लोग जो बर्ड हाउस बनाए थे, जिसके अंदर एक नेस्ट बनाए थे, और उसमें फिर अब उनका जो बर्ड हाउस में था वो एक मेहमान के रूप में था। अब उनके बर्ड हाउस में मेहमान थे। नंबर फाइव, सपोज द बर्ड्स कुड स्पीक, व्हाट डू यू थिंक दे वुड से टू अंकित, राधिका एंड देयर ग्रैंडमा।
आप सपोज कीजिए, आप इमेजिन कीजिए कि काश अगर परिंदे बोल सकते तो वो दादी माँ अंकित और राधिका को क्या कहते। तो आइए देखते हैं, बर्ड से देम थैंक यू, अगर वो बोल सकते तो परिंदे जो थे वो थैंक यू कहते, तो बर्ड्स से देम थैंक यू। अब हम देखेंगे ट्रू और फॉल्स। से वेदर दीज स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स बाई राइटिंग टी एफ। अब हम इस ऑप्शन को देखेंगे स्टूडेंट्स, और जो सही ऑप्शन है उसमें हम टी लिखेंगे और जो रॉन्ग ऑप्शन है उसमें हम एफ लिखेंगे, यानी टी मीन्स ट्रू, एफ मीन्स फॉल्स। तो आइए देखते हैं। नंबर ए, अंकित एंड राधिका वेयर सिटिंग ऑन द रूफ। डियर स्टूडेंट टेल मी, अंकित और राधिका क्या छत पर बैठे हुए थे? नो, अंकित एंड राधिका एक बालकनी में थे। तो यहाँ पर आपका होगा एफ, राइट एफ, एफ। नंबर बी, द स्पैरोज वेर ट्राइंग टू बिल्ड अ नेस्ट। वो जो स्पैरो थे, जो परिंदे थे, क्या वो एक घोंसला बनाने की कोशिश कर रहे थे? तो यहाँ पर यस कीजिए, यानी टी, टी फॉर ट्रू। फॉर ट्रू, यस, वो कोशिश कर रहे थे एक बर्ड हाउस बनाने के लिए। सी, ग्रैंडमा सेड सी वुड टीच देम टू बिल्ड अ नेस्ट। ग्रैंडमा ने कहे कि मैं तुम्हें बर्ड हाउस बनाना सिखाऊंगी। तो यस, यहां पर भी आप टी कीजिए, टी फॉर यानी ट्रू, यस। इसके बाद नंबर डी है, राधिका पेस्टेड द पेपर अराउंड द बॉक्स। हाँ, तो राधिका जो है बॉक्स के चारों तरफ पेपर को पेस्ट करती थी। तो यहाँ पर भी आप टी कीजिए। एंड लास्ट वन, ग्रैंडमा हैंग द ट्री हाउस ऑन द ट्री। क्या ग्रैंडमा जो है, जो बर्ड हाउस है उसको ट्री पर हैंग की थी? नो, तो यहाँ पर आप एफ कीजिए, एफ फॉर यानी फॉल्स। एंड I am turning the page. Students, आज हम अभी जो आपके सामने एक्टिविटी दिख रही है, ये जो पेज दिख रहा है, इसमें हम रिसाइट करेंगे, एक पोएम है जिसको हम रीड करेंगे। तो आइए देखते हैं। होम स्वीट होम, बर्ड्स फील हैप्पी इन अ फ्लफी नेस्ट, अडेन इज अ प्लेस फॉर टाइगर्स टू रेस्ट, द माउस फील्स सेफ इन इट्स टिनी होल, अवे फ्रॉम रेन एंड विंट्री कोल्ड, अ पेन इज अ काउ हैप्पी होम टू रेस्ट एंड स्लीप व्हेन द वर्क इज डन, लाइक बर्ड्स एंड एनिमल्स आई टू लव माई होम, होम ओ माई स्वीट होम। एंड नेक्स्ट विल सी एक्टिविटी अबाउट ग्रामर। एक्शन वर्ड वर्ब, अ वर्ड दैट शोज एन एक्शन इज कॉल्ड एन एक्शन वर्ड फॉर अ वर्ब। एक्शन वर्ड क्या होता है स्टूडेंट्स? जो एक एक्शन काम कार्य को दिखाता है उसी को एक एक्शन वर्ड कहा जाता है। जैसे आपका ईट हो गया, ईट क्या है स्टूडेंट्स? ईट एक्शन वर्ड है, खाना जो है एक्शन वर्ड है, स्लीप एक्शन वर्ड है, गो जाना मींस एक्शन वर्ड है, कम मींस आना एक्शन वर्ड है, डांस भी एक्शन वर्ड है, कैरी ले जाना, बैंड सिंग गीत गाना एक्शन वर्ड है, स्विम तैरना पानी में तैरना वो भी एक एक्शन वर्ड है। ऑल आर ऑल एक्शन वर्ड्स, ये जो आपको दिख रहे हैं ये सभी एक एक्शन वर्ड है। इसके बाद चूज द करेक्ट
एक्शन वर्ड्स एंड फिल इन द ब्लैंक्स। आइए हम एक्शन वर्ड को जो फिल है एरिया है उसमें फिलअप करते हैं जो सूटेबल है। तो आपका फर्स्ट है, आप देख रहे हैं ये जो एक लड़का है या फिर गार्डन में खेलता है, तो यहाँ पर आपका होगा आई। आई के बाद जो स्पेस है इसमें आपको प्ले लिखना है, पी एल ए वाई प्ले, आई प्ले इन द गार्डन। सेकेंड द हॉर्स, हॉर्स को आप देख रहे हैं इस हॉर्स को, या दौड़ता है तो द हॉर्स रन्स फास्ट। रन्स की स्पेलिंग है आर यू एन एस, रन्स फास्ट, द हॉर्स रन्स फास्ट। एंड थर्ड अ कैटरपिलर स्पेस लिप्स, तो इसमें होगा आपका ईट्स होगा, अ कैटरपिलर ईट्स लिप्स। जो ये कैटरपिलर है वो क्या खाती है, पत्तियां खाती है, तो यहां पर होगा ईट्स। यहाँ पर ये ऑप्शन देख रहे हैं स्टूडेंट्स, यही ऑप्शन को हमें सही वर्ड के हिसाब से फिलअप करेंगे इस ऑप्शन को हम। उसके बाद है हमारा फोर द आउल स्पेस इन द डे, इसमें क्या होगा स्टूडेंट्स, तो इसमें होगा स्लीप्स, जो उल्लू होता है वो दिन में सोता है, तो आउल स्लीप्स एस एल डबल ई पी एस स्लीप्स इन द डे। एंड नंबर फाइव अ कोबलर स्पेस द शूज, अब इसमें होगा जो कॉबलर होता है मोची होता है वो जूते की क्या करता है, मरम्मत करता है, रिपेयर करता है, बनाता है, तो आ कॉबलर मेंस, यहाँ पर होगा मेंस एम ई एन डी एस मेंस द शूज, जो कॉबलर है मोची है वो जूते की मरम्मत करता है। एंड नाउ आई एम टर्निंग द पेज सिक्स द काऊ, उसके बाद आप देख रहे हैं स्पेस है, इसमें हमें फिलअप करना है अस मिल्क, दूध जो है हमें क्या देती है, दूध देती दूध सॉरी जो गाय है वो हमें दूध देती है, तो यहाँ पर होगा आपका गिव्स, द काऊ जी आई वी ई एस गिव्स अस मिल्क, जो गाय होती है हमें दूध देती है। सेवन द पिकॉक, फिर स्पेस है ग्रेसफुली, तो यहाँ पर होगा आपका द पीकॉक डांसेस ग्रेसफुली, जो मोर होता है मोर बहुत खूबसूरत डांस करती है, बहुत सुंदर नाचती है। एंड एट होगा वी स्पेस है टेनिस एवरी इवनिंग, हम प्रत्येक शाम में टेनिस को खेलते हैं, तो यहाँ पर होगा प्ले, वी प्ले पी एल ए वाई प्ले, वी प्ले टेनिस एवरी एवरी इवनिंग, हम प्रत्येक शाम में टेनिस को खेलते हैं। नाइन लेट अस स्पेस है अ सॉन्ग, तो यहाँ पर होगा आपका सिंग एस आई एन जी सिंग, लेट अस सिंग अ सॉन्ग, और एक गाने को सुनते हैं। इसके बाद टेन है डू नॉट स्पेस है लाउडली, यहाँ पर होगा आपका स्पीक एस पी ई ए के स्पीक, डोंट स्पीक लाउडली, जोर से मत बोलो। एंड नाउ स्टूडेंट्स विल सी एनिमल एनिमल होम्स, डियर स्टूडेंट्स वी विल सी अबाउट एनिमल एंड देयर होम्स। आइए देखते हैं एनिमल और उसका घर। लर्न द नेम्स ऑफ द एनिमल्स होम्स देन वी विल प्ले अ गेम, सबसे पहले इसमें मेरे माय डियर स्टूडेंट्स आपको याद होना चाहिए कि ये एनिमल इसका ये होम्स होता है, डॉग का ये होम्स होता है, लायन का लायन कहाँ पर रहता है, ये हमें मालूम होनी चाहिए इसके बारे में, यानी एनिमल्स एंड देयर होम्स, एनिमल और उसके घर को हमें मालूम होना चाहिए। तो आइए देखते हैं अ लायन लिव्स इन अ डेन, जो शेर होता है वो कहाँ रहता है स्टूडेंट, तो जो एक शेर होता है जो एक लाइन होता है वो मांद यानी गुफा में रहता है यानी डेन में रहता है। इसके बाद आ पिग लिव्स इन अ स्टाइल, एक जो पिग मीन्स होता है सुअर, जो सुअर होता है वो सुअरखाना में, एक जो सुअर होती है वो एक सुअरखाने में रहती है। इसके बाद आ बर्ड लिव्स इन अ नेस्ट, पंक्षी कहाँ रहती है स्टूडेंट्स,
परिंदे कहाँ रहते हैं? तो परिंदे घोंसले में रहते हैं, तो अ बर्ड लिव्स इन अ नेस्ट, नेस्ट मीन्स होता है घोंसला, परिंदा जो है घोंसले में रहते हैं। इसके बाद है अ रैबिट लिव्स इन अ ब्यूरो, जो खरगोश होता है वो कहाँ रहता है स्टूडेंट? तो खरगोश जो होता है वो एक बिल में रहता है, ब्यूरो यानी बिल, तो अ रैबिट लिव्स इन अ ब्यूरो, जो एक खरगोश होता है वो बिल में रहता है। फिर है अ हॉर्स लिव्स इन अ स्टेबल, और आप जानते हैं कि जो घोड़ा होता है, एक हॉर्स होता है, वो एक स्टेबल में रहता है। एंड नेक्स्ट अ हेन लिव्स इन अ कोप, स्टूडेंट हेन कहाँ रहती है? तो हेन जो है दरबे में रहती है, तो कोप मीन्स होता है दरबा, अ हेन लिव्स इन अ कोप, एक दरबे में जो मुर्गी होती है एक दरबे में रहती है। स्टूडेंट्स ये आपका लेसन कंप्लीट होता है, और आपको कल ये भेजा जाएगा जो ये होमवर्क्स हैं, जो आपको ये सब दिख रहे हैं होमवर्क्स जो मैंने अभी आपको पढ़ाया है, ये मैं एक पीडीएफ में आपको सेंड करूँगा कल। स्टूडेंट्स आई होप आप सभी लोग समझ गए होंगे, एंड नाउ अब हम आपसे विदा लेते हैं, फिर कल आपके सामने फिर से लेकर आएंगे। तो चलिए दोस्तों, थैंक यू सो मच।